बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू चैनल जिसके कोहिनूर। माय नेम इज नीलम मिश्रा, आई एम टीचर ऑफ सैनिक पब्लिक स्कूल। बच्चों, ये क्लास थर्ड के बच्चों का सब्जेक्ट इंग्लिश है और लेसन वन है लायंस बर्थडे। अभी तक क्लास थर्ड के बच्चों का इंग्लिश का कोई वीडियो नहीं बना था, आज ये पहला लेसन है, आप लोग देख लीजिए। इसमें लायंस बर्थडे, शेर का जन्मदिन, इसी लेसन का ये वर्ड मीनिंग है। यहाँ पे लायंस बर्थडे, ये वर्ड मीनिंग है, ये शब्द है, ये उच्चारण है और ये इसका अर्थ है। आप लोग वर्ड पे ध्यान देंगे, बर्थडे, सेवरल, हैप्पीली, प्लेंटी, शेल, माइटी, जेंटल, रिस्पेक्टेड, डिसाइडेड, ओकेजन, इनवाइटेड, ग्रैंड, फिस्ट, और ये इसका बर्थडे का बर्थडे, सेवरल का सेवरल, हैप्पीली का हैप्पीली, उच्चारण हिंदी में ये इंग्लिश है, प्लेंटी हिंदी में प्लेंटी उच्चारण, शेल ये हिंदी इसका शेल है, माइटी ये माइटी है, जेंटल, रिस्पेक्टेड, डिसाइड, ओकेजन, ये सारे इसके उच्चारण है और इसके बाद से ये इसका अर्थ हो गया। बर्थडे मीन्स होता है जन्मदिन, सेवरल मीन्स होता है अनेक, हैप्पीली मतलब खुशी से, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा में, शेल मीन्स होता है कवच, कछुए को आप लोगों ने देखा होगा या मछली को देखा होगा, उनके शरीर पर जो चिकना चिकना एक सेल दिखाई देता है उसी को कहते हैं कवच। शेल मीन्स होता है कवच, होता है शक्तिशाली या ताकतवर, जेंटल मीन्स होता है सज्जन या भला मानस, और रिस्पेक्टेड मीन्स होता है सम्मान करना, इज्जत करना या आदर करना, और डिसाइडेड मीन्स होता है रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मान करना, डिसाइड मीन्स निश्चय करना, ओकेजन मीन्स होता है अवसर या एक समारोह, इनवाइटेड मीन्स होता है निमंत्रित करना, किसी को बुलाना पार्टी वगैरह में, ग्रैंड मीन्स होता है भव्य या विशाल, और फिस्ट मीन्स होता है भोज में, भोज में जब हम खाना खाते हैं, किसी पार्टी में हम खाना खाते हैं उसी को भोज कहते हैं। तो ये लेसन फर्स्ट का ये 12 आप लोगों का वर्ड मीनिंग है, इसको आप लोग याद करिएगा। सारे बच्चे कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप लोग और इसको ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। और भी अगर आप लोगों को कुछ इसमें पूछना है, इसके बाद अगले वीडियो में मैं और वर्ड मीनिंग आप लोगों को दूंगी, तब तक ये आप लोग लिखिए। और आप लोगों को क्या पूछना है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा। धन्यवाद।